नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। आज हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन एक से संभावित। ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षकों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शुरू की तैयारी, लखनऊ गई टीम। अंतर जनपदीय तबादले के लिए 26 से शुरू हो चुके हैं आवेदन। 5 दिन में 10,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं अंतर जनपदीय तबादले के लिए। 5 दिन में 10,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। वेबसाइट 26 दिसंबर को शुरू हुई थी, उसके बाद से अब तक 10,251 शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है और 1,288 ने अपने आवेदन अंतिम रूप से भरकर जमा करा दिए हैं। अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कह रहे थे नहीं होंगे, तो उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। प्रसिद्धि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के पारस्परिक तबादले के लिए 1 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। सरकार ने अंतर जनपदीय के साथ ही पारस्परिक तबादले के आवेदन लेने के बात कही थी। अंतर जनपदीय के लिए आवेदन तो 26 दिसंबर से शुरू हो गए थे, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन शुरू नहीं हो सके। सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद की टीम लखनऊ NRC मुख्यालय गई थी। सूत्रों के मुताबिक सॉफ्टवेयर ऑडिट हो रहा है, जो मंगलवार तक पूरा होने की उम्मीद है। उसके बाद 1 जनवरी से यानी नए साल से ऑनलाइन आवेदन आप शुरू फॉर्म भर पाएंगे। यदि इन कारणों से देरी होती तो 3 जनवरी से आवेदन होना 100% श्योर है। तबादले के लिए इस बार शिक्षकों के 42,926 पद खाली हैं। ट्रांसफ़र के लिए 20 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे और 15 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। 1 अप्रैल को नया सत्र शुरू होने तक जिलों में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी तरह के और भी अपडेट